इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नज़र। वीकेंड लॉकडाउन के बाद आज फिर बाजारों में भीड़ नजर आई। कारोबार अब कुछ रफ्तार पकड़ते नजर आ रहे हैं। खासकर खड़े बाजार में चक्का जाम का नज़ारा देखने को मिला। खड़े बाजार में दोनों तरफ सवारियों की लंबी कतारें लगी हुई थी। कछुए की रफ्तार से गाड़ियां आगे बढ़ रही थी। दीगर जगहों पर भी आवाम को कतार लगाए खड़े देखा जा रहा था। वैसे भी देश की जनता को कतार लगाने की आदत सी पड़ चुकी है। एक तरफ महंगाई की मार तो दूसरी तरफ हर चीज को हासिल करने के लिए कतारें दिखाई दे रही थी। बैंक में, दुकानों में, सरकारी दफ्तरों में, अदालत में आवाम को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। आज भी खासकर सरकारी कामों की रफ्तार भी काफ़ी धीमी ही नज़र आ रही थी। ज़रूरत है कि लोगों के कामों को जल्द अंजाम देकर उन्हें फारिग करें, दूसरे कामों को भी मुकम्मल कर सके। अनलॉक के बाद पहला वीकेंड लॉकडाउन रहा तो सड़कों पर ट्रैफिक जाम का नज़ारा भी देखने को मिल रहा था। आज बेलगाम जिला अथनी तालुका के हलियाल देहात में दिल दहला देने वाला वाक्य पेश आया। एक साथ चार भाई कृष्णा नदी में एक दूसरे को बचाने की जद्दोजहद में डूब गए। परशुराम गोपाल बंसुड़े उम्र 36, सदाशिव बंसुड़े उम्र 24, शंकर बंसुड़े उम्र 20, दारप्पा बंसुड़े उम्र 22, चारों की लाशों की तलाश जारी है। पर घर के चार जिम्मेदार अफरादों की इस मौत के वाकये ने सिर्फ घर वालों की ही नहीं बल्कि पूरे गांव की आंखों को नम कर दिया। घर की औरतों का कोहराम दिल को चीरने वाला था। अक्सर देहात में, गाँव में मेले, यात्राओं या फिर ईद त्योहारों को घर के लोग कपड़े धोने या बिछौना धोने के लिए नदियों के किनारे जाते। इसी तरह बंसोड़े का परिवार भी कृष्णा नदी के किनारे कपड़े धोने के लिए गया था, जिसमें सदाशिव बंसोड़े का पांव फिसलकर पानी में गिर गया। पानी में गिरते भाई को देख दूसरा भाई भी पानी में चला गया और इसी तरह से चारों भाई कृष्णा नदी के तेज बहते बहाव में बह गए। एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया और लाशों की तलाश जारी है। घर के खवातीन का मातम दिल दहला देने वाला था। इस वाकये से गाँव में सन्नाटा छाया हुआ नजर आया। वैक्सीन को लेकर लोगों में कई अफवाहें होने के बावजूद भी वैक्सीन के लिए लोगों की भीड़ काफी नजर आ रही है, उसमें इजाफा ही होता जा रहा है। वैक्सीन लगाना जरूरी है या नहीं, वैक्सीन लगाने से क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो कुछ लोगों ने वैक्सीन लगवाने वालों की 2 साल में मौत जैसी खबरों को सोशल मीडिया पर वायरल करने के बाद वैक्सीन पर शकोशुबात पर टीकाकरण की मुहिम धीमी होती नजर आ रही थी। पर अब हर जगह पर वैक्सीनेशन ना होने वालों के लिए दाखिला ना देने की बात जब से सामने आई है, लोगों की भीड़ भी वैक्सीन को लेकर बढ़ती दिखाई दे रही है। बेलगाम में मुख्तलिफ इदारों तंजीमों की जानिब से टीकाकरण अभियान यानी वैक्सीनेशन मुहिम चलाई जा रही है। कोनवाड़ गली कन्नड़ स्कूल में महज 70 डोज मुहैया कराए गए थे, जिसके लिए 400 से भी ज्यादा मर्द औरतों ने भीड़ की थी। यहाँ तो किसी तरह का सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान भी नहीं था। खैर कईयों को यहाँ से वापिस भी जाना पड़ा। इसी तरह से बॉक्साइड रोड रजाए मुस्तफ़ा इदारे की जानिब से वैक्सीनेशन मुहिम को बड़े ही कामयाब अंदाज में अंजाम दिया गया। तकरीबन 100 से भी ज्यादा लोगों का टीकाकरण बड़े अच्छे अंदाज में मुकम्मल किया गया। यहाँ के जमात के जिम्मेदार जनाब यूनुस काकती ने तमाम आवाम का, वैक्सीनेशन टीम का, कांग्रेस पार्टी के कारकुनान जिन्होंने इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए कोशिश की, इनका तमाम का शुक्रिया अदा किया और फिर से जल्द से इस हफ्ते में फिर से वैक्सीनेशन की मुहिम रजाए मुस्तफ़ा इदारे की जानिब से चलाए जाने की बात कही और आवाम को इसकी अतला भी दी। इस वक्त खासकर कांग्रेस अकलीती मोर्चा के हाजी मूसा गोरी खान, सादिक मुल्ला, शकील मुल्ला, जगदीश सावंत और आनंद वैद्य ने इस टीकाकरण अभियान को कामयाब बनाने में खास मेहनत फरमाई। अस्सलाम वालेकुम। आज पीर के दिन जो है मंडे को हमारे यहाँ बॉक्सर रोड पे रजाए मुस्तफ़ा इदारे में
सारे आवाम के लिए वैक्सीनेशन का इंतज़ाम किया गया है। उस हिसाब से ये जो आवाम है यहाँ पर आ चुके हैं सब, और जो है खास करके सारे बेलगाम के सारे आवाम से मैं गुजारिश करूँगा कि सबसे पहली फुर्सत में जो है आप वैक्सीनेशन करा लो, ये सबके बेहतरी के लिए है, इससे हम सब की हिफाजत है। हमारे और एक बार पुरजोर गुजारिश है, आपसे अपील है कि आप लोग जो भी है, हमारे रजाए मुस्तफ़ा के अलावा बेलगाम अंजुमन में भी इसका इंतज़ाम किया गया है, और भी बेलगाम में बहुत सारे जगह पर जो है अपने अपने बारी के हिसाब से मोहल्ले वाइज वैक्सीनेशन का इंतज़ाम किया गया है। जैसे भी आपको वक्त मिलता है, जैसे भी आपको नंबर मिलता है, उसके हिसाब से आप वैक्सीनेशन ले अपनी हिफाजत करें। अब तक कितने लोगों को दिए हैं? आज का जो है 100 लोगों का डोज हमारे को सेंक्शन हो गया था इधर, तो 100 लोगों का स्लॉट पूरा हो चुका है, और इंशाल्लाह एक दो दिन में और भी इंतज़ाम करके आप लोगों को बता देंगे। वैक्सीन ये नहीं है कि एक बीमारी से बचाएगा, लेकिन बीमारी से जो डैमेज होने वाला है उसको ये काम करेगा, आपकी बॉडी के अंदर ये ताकत को बढ़ाएगा कि आप बीमारी से लड़ सकते हो। और कई लोग ये पूछते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद ये खतरा रहेगा, कोरोना मुझे होने का खतरा रहेगा, मेरी जान जाने का खतरा रहेगा, ये सब गलत है भाई। आप पहले से हार्ट के मरीज हो, आपको थायराइड हो, आपको कोई और बीमारी हो, आप वैक्सीन ले सकते हैं। वैक्सीन कब नहीं लेना है? अगर आपको लगता है कि आपको सीवियर कोई इन्फेक्शन है, बुखार है, तो आप अपने डॉक्टर से, करीबी डॉक्टर से जाके ये कीजिए, मिलिए, अपना ब्लड चेक वगैरह करा लीजिए। अगर ब्लड पैरामीटर्स वगैरह सब आपके नॉर्मल है, तो आप वैक्सीन लेने के लिए फिट हो। अगर उसमें कुछ ये आता है, ज़्यादा कम आता है, जैसे कि एक्यूट इन्फेक्शन वगैरह दिखाता है, तो वैक्सीन नहीं ले सकते। बाकी जगह वैक्सीन लेना 100% सेफ है, इसे कोई भी 18 साल के ऊपर का इंसान ले सकता है। कोरोना दौर में बच्चों के इल्म का खासा नुकसान हुआ। ऑनलाइन पढ़ाई का तरीका कामयाब तरीका नहीं माना जा रहा, लिहाजा दिगर क्लासेस के बच्चों को बिना इम्तिहान के ही अगली क्लास में दाखिला दे दिया गया, पर 10वीं के बच्चों के इम्तिहान को 2 पर्चे लिखना लाजिम करा दिया गया। रियासती तालीम महकमा की जानिब से 19 और 22 जुलाई को 10वीं के इम्तिहान होंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव तरीके से यह पर्चे लिखे जाएंगे। सुबह 10:30 से 1:30 बजे तक का वक्त दिया गया है। इस साल 8,76,481 तलबा और तालिबात इम्तिहान देंगे। कोरोना के दौर में करोड़ों का नुकसान ट्रांसपोर्ट महकमा को हुआ है। अरसे बाद बसेस की नकलो हरकत तो शुरू ही, पर नई डेल्टा प्लस वेरिएंट के महाराष्ट्र में बढ़ते मरीजों के मद्देनजर कोल्हापुर सातारा की बसेस को फिर से बंद कर दिया गया। हासिल इत्तला के मुताबिक डेल्टा प्लस के बढ़ते मरीज तीसरी लहर का आगाज भी हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है, लिहाजा कोल्हापुर और सातारा के लिए बसेस को बंद कर दिया गया। जिस तरह कांग्रेस में इख्तदार से पहले ही वजीर आला की कुर्सी के लिए रस्साकशी चल रही है, इधर भाजपा में भी बहुत से कायद वजीर आला का ख्वाब देख रहे हैं, जिसमें उमेश कत्ती का भी इजाफा हुआ। इन्होंने सहाफियों से मुखातिब होते हुए अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि क्या मैं वजीर आला नहीं बन सकता? क्या मेरी उम्मीद नहीं कि मैं वजीर आला बनूं? मुझे तो आवाम ने 8 मरतबा MLA बनाया, और मुझमें वो तमाम काबिलियतें हैं जो एक वजीर आला के लिए होनी चाहिए। जाहिर है इससे येडियुरप्पा की मुखालिफत में जैसे अरविंद बेल्लत वजीर आला के मुकाबले में तैयार हैं, वही अब उमेश कत्ती भी अपने आप को काबिल समझ रहे हैं। अभी 2 साल का अरसा है और कितने वजीर आला बाहर आते हैं, ऐसा सवाल आवाम की जानिब से भी किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।